keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just gotta know some vibes, striking the winner post now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You. दोस्तों आज फन सिटी जाने का पूरा प्रोग्राम था, पर जिसके साथ जा रहे थे उसके अकॉर्डिंग और वैसे भी वेदर देखें तो आज बारिश हो सकती है, तो आज शायद प्रोग्राम कैंसिल है। बाकी कल वेदर ठीक रहता है तो फन सिटी जाएंगे। मिलन सो रहा है, चलो इसे जगाने की कोशिश करते हैं। अभी टाइम हुआ है सुबह के 8। मिलन, मिलन बेटा उठ जा। आपको वो कहानी तो याद होगी, कुमकरण जो बहुत सोता था, उसको जगाने के लिए खाने का इस्तेमाल किया गया था, तरह तरह की मिठाइयाँ। आजकल बच्चे मिठाइयाँ कम ही खाते हैं, इसलिए मैगी का इस्तेमाल करके देखते हैं। मिलन नहीं, ये भी तरह चाहिए। दादी क्या बना रहे हो? मैं सब्जी बना रही हूँ। कौन सी? कटहल की। कटहल की। अब टाइम हो रहा है 10:05 और खाना आ चुका है। खाने में है जो मैंने लिया है, पनीर के 3 परोठे खाऊंगा मैं और किसान सॉस के साथ। इन तीनों को किसान सॉस के साथ खाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब मैं नहा चुका हूँ और जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ मिलन के साथ, मिलन मेरे साथ जा रहा है। हम जाएंगे मार्केट से लेना है हमने स्विमिंग गॉगल्स और कैप, साथ में अगर मेरा हो पाया उसका डुप्लीकेट सिम भी निकलवाना है और एक टेम्पर भी लगवाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार ये मोबाइल गिरता है। अब बात यह है कि आज हमने जाना था फन सिटी, लेकिन जा नहीं पाए। सुबह मौसम ही इतना ख़राब हो गया था, जैसे कि आपको दिखाया, तो लग रहा था कि बारिश कभी भी आ जाएगी, तो फ़ायदा नहीं था, इस वजह से मैंने अवॉइड किया। अब हमारा प्लान है कल को देखी जाएगी राम भरोसे, अगर बारिश आ भी जाए कोई चक्कर नहीं। बाकी अभी निकलते हैं, मिलन और मैं आपको मार्केट में दिखाते हैं क्या चल रहा है। पापा चले फिर? हाँ चल फिर चले यार, लेट हो जाएंगे, फिर पापा के साथ टाइल्स भी लेने जाना है, उसमें भी टाइम लगेगा। अभी देखा कि निकलते हुए कि फ़ोन चार्ज पे ही लगा था मेरा। वैसे आपको बताएं कि फ़ोन या कोई भी चीज़ कभी भी चार्ज पे लगती हुई नहीं छोड़ के जानी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। थोड़ी सी चार्जिंग करने के लिए क्या बचा लोगे, इससे अच्छा बंद ही कर जाओ। पूरे इक्विपमेंट जो यूज़ में नहीं है घर पर, वो बंद करके जाना चाहिए। मिलन लेने लिए गॉगल और हो गया ना, गॉगल और स्पेक्स स्विमिंग के। अभी हमने सारा सामान ले लिया, अब हम घर जा रहे हैं। मेरे फ़ोन का टेम्पर और सिम भी ले लिया और मेरे स्विमिंग गॉगल्स और कैप और साथ में इसका वाटर केस भी ले लिया मेरे फ़ोन का। घर पहुँच के फिर पापा और दादू टाइल देखने जाएंगे, फिर उसके बाद बारिश वाला मौसम हो रखा है, काले बादल रखे हैं, लेकिन आज बारिश आ जाए, लेकिन कल बिल्कुल बारिश ना आए सुबह और शाम तक। मैं और मिलन पहुंच गए हैं अब घर, ले आए हैं सामान, लगभग पूरा सामान ले आए हैं। बाकी तो थोड़ा बारिश का मौसम बन गया है, ये चीज़ ख़राब हो रही है यहाँ। बाकी सब ठीक है, बारिश ना आए ना बहुत एंजॉय करेंगे कल। मिलन बारिश आएगी नहीं आएगी मिलन कल? क्या कहता है? नहीं आएगी। कहते सबको बारिश नहीं आएगी और हम घूमने जाएंगे। मिलन का काम ख़त्म किया, अब लेने जा रहे हैं टाइलें। आपको दिखाता हूँ कहाँ की टाइलें लगानी है पहले, फिर आपको समझ आएगा। आपने देखा होगा कई बार हम छत पे जाते हैं, छत पे जाते हुए वहाँ पर सीढ़ियों में टाइल्स नहीं लगी हुई, बाकी सारी तरफ तो लग गई। अब आप देखिए यहाँ पर टाइल्स नहीं लगी हुई सीढ़ियों में, ठीक है, ये टाइल्स लगवानी। और ये टाइल्स लगवाने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ पापा के साथ। टाइल्स पसंद करते हैं, पत्थर पसंद करते हैं, वो देखी जाएगी वहाँ पर पहुँच के। बस अभी निकल रहे हैं 2 मिनट में, ये भी आज काम ज़रूरी है ख़त्म कराना है। अभी आ गया हूँ मैं घर, टाइलें नहीं बना कुछ, एक्चुअली पसंद नहीं आई थी। थोड़ा शाम को गए थे ना, लाइट वगैरह कम थी वहाँ, तो इस वजह से कुछ डिसाइड नहीं हो पाया पत्थर लें या टाइल लें। अब इसके बारे में डिसाइड होगा परसों, क्योंकि परसों जाएंगे, क्योंकि कल हम बिज़ी होंगे शायद फनसिटी, अगर इनकेस बारिश नहीं हुई तो। बाकी चांसेस नहीं होगी, ठीक है, मौसम थोड़ा खुल गया है। होपफुली आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मौसम खुल जाए और हम घूम के आएँ। अब आपको दिखाता हूँ जब मैं मिलन के साथ मार्केट गया था तो क्या क्या लेके आए। अब फन सिटी जा रहे हैं तो हमें खुद नहीं पता वहाँ क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, पर जितना आइडिया लगा उस हिसाब से हम ले आए, बाकी तो वहीं जाके पता चलेगा रियल टाइम में। ये है हमारा बॉक्स, थैला, कुछ भी कह लीजिए, जिसमें सारा सामान है। अब आपको एक एक चीज़ खोल खोल के दिखाते हैं कि क्या क्या लेके आए हैं। पहला तो ये है इसका शावर कैप, कह सकते हैं आप इसे, स्विमिंग कैप कह सकते हैं, ठीक है। ये इसके पास ऑलरेडी पहले भी था। ये देखिए शावर कैप जो लेके आया है, अगर पानी में आप इसे स्विमिंग करते हुए पहनेंगे तो आपके बाल जो हैं वो नहीं गीले होंगे। कई बार क्लोरीन वगैरह होती है वाटर में, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। ये पहले भी था मिलन के पास, पर ये इसने गुम कर दिया, तो ये हर साल का यही होता है, लेनी पड़ती है। इसको अलग करते हैं। उसके बाद ये है गॉगल मिलन के लिए, ठीक है। ये देखिए, आँखों में क्लोरीन ना जाए, आँखों को प्रोटेक्ट करती है, अंडर वाटर आपको विजिबिलिटी अच्छी करती है। ये लेके आया मिलन, ठीक है। एक तरीके से स्पेक्स हो गए पानी के अंदर। तीसरा ये, मोबाइल रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं, इसमें आप गीला नहीं होगा। ट्रैवलिंग में बहुत काम आता है, और आप स्पेशली अगर किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ बारिश है काफ़ी, और प्लस आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी ये आपके काफ़ी काम आता है। इसमें खुल जाता है यहाँ से, 3 लेयर होती हैं इसमें आपके, ये देखिए 3 लेयर हैं, ठीक है, जो कि आपके वॉलेट वगैरह को फुली प्रोटेक्ट करती है, मोबाइल भी गीला नहीं होता। इसमें आराम से चीज़ डाल लो। मिलन अभी गया हुआ खेलने, अभी तक आया नहीं है दोस्तों के साथ से। तो अभी बजे हैं 7:45, अभी आने ही वाला होगा थोड़ी देर में। ये जिद कर रहा है बाहर जाने के लिए, गेट बंद है। एक्चुअली इस समय लोग ज़्यादा निकलते हैं बाहर, तो ये इसकी कोशिश होती है किस तरह बाहर निकलूँ। ये इशारे कर रहा है कि बाहर लेके चलो, चले बाहर, चले बाहर, आजा आजा, चले बाहर, चले बाहर, आजा आजा। वो देखो, वो देखो, वो देखो, फटक से तैयार है बाहर जाने को। इसको भी गर्मी लग रही है बहुत, इसके लिए पंखा चला दूँ बोल्ट। अभी आराम से बैठ रहेगा यहाँ पर। डिनर आ गया है, मिलन ने शुरू कर दिया। दाल, कटहल, और थोड़ा सा मैंने भी टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी खाना बना है। मिलन फिर कल की तैयारी है पूरी, जाने की क्या क्या तैयारी की बता दे एक बार फिर। पैसे मैं बता चुका था, पर फिर भी एक बार बता दे। ये है कैप, ये है गॉगल, फ़ोन कवर, और ये है चड्डी इसकी स्विमिंग वाली, लेके आ गया। वैसे मज़े की बात ये है कि तैयारी पूरी है कि नहीं वो तो वहीं जाके पता चलेगा। अभी तो हम जा रहे हैं बस तैयार होके, बाकी देखेंगे वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। इतना ही लेके जाते होंगे लोग, है ना, और क्या लेके जाते होंगे लोग? तो ये चश्मा और टोपी भी नहीं लेके जाते हैं। हम तो वो एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, चश्मा और टोपी, है ना। मैं तो बस स्विमिंग पूल में ही रहूँगा। मिलन की हंसी नहीं रुक रही, इसको शांत रहने के लिए कह रहे हैं, कल की खुशी ही इसे इतनी। मिलन कल का कैंसिल करे। आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में कल का फन सिटी का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आएगा। टिल देन मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए मिलन सारा व्लॉग।